योनि पहाड़ी पर, पहाड़ी का नाम याद रखेंगे, खोजे गए औषधीय पौधों में से कौन सा पौधा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर कुछ औषधीय पौधे खोजे गए, उसमें से कौन सा एक ऐसा पौधा है जो कि एक बहुत ही प्रचलित बीमारी जिससे बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा लोग ग्रस्त हैं, उस बीमारी का नाम क्या है? मधुमेह, डायबिटिक। तो इससे रोकने के बारे में इस औषधि का काफी अहम रोल माना जा रहा है। कौन सी औषधि है? तुलसी, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जिसको गुड़मार कहते हैं, अश्वगंधा या नीम। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी आपका, गुड़मार जिसको आम भाषा में कहते हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए, जो गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, यहाँ पर इस पहाड़ी पर कुछ औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज की गई। श्रृंखला मतलब कई ऐसे पौधे थे जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये वो पौधा है जिसको गुड़मार वहां पर स्थानीय भाषा में कहा जाता है। गुड़ का मतलब गुड़ मीठा होता है, गुड़ को मारने वाला, अर्थात मिठास को मारने वाला। आप जानते हैं कि मीठा खाने से डायबिटिक होता है, तो इस तरह से भी इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रेज आमतौर पर जिसको गुड़वार के रूप में जाना जाता है, इसको मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, जो CSIR है, इसने पहले भी मधुमेह को रोकने में इस पौधे का इस्तेमाल पहले भी किया है। कौन सी दवा विकसित की उसने? तो उसने बनाया BGR-34। इसको जब डेवलप किया तो इस औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग वहां पर भी किया गया था। और गुड़मार में क्या ऐसा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है जिनमेमिक एसिड पाया जाता है। और ये क्या करता है एसिड? ये जब प्रेजेंट होता है तो ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको कम करने की इसके अंदर विशेष क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि ये आंत की जो बाहरी परत होती है उसमें रिसेप्टर साइट पर प्रभाव डालता है, और कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालता है कि जो मीठा खाने की इच्छा होती है ये उसी को कंट्रोल कर देता है। जब आपका मन ही नहीं करेगा मीठा खाने का तो डायबिटिक, वैसे ही आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। तो इसकी एक खास, इसकी ये जो है गुणवत्ता है, इसको विशेष बनाती है कि ये मीठा खाने की इच्छा को ही कंट्रोल कर देता है। तो एक जादुई हम कह सकते हैं कि औषधीय पौधा है और इसके गुण को पहचाना गया है। अगला प्रश्न है,